नमस्कार एवरीवन, वी विल स्टार्ट टुडे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 10th सीबीएसई। सो ये चैप्टर आपका काफ़ी इजी है, सिर्फ दो या तीन ही फॉर्मूलाज हैं और इसमें पूरा चैप्टर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा और कुछ याद भी नहीं करना है इसके अंदर। जो फॉर्मूलाज हैं वो इतने सिंपल हैं जो कि आपको बस समझने हैं एक बार, उसके बाद तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इसका पहले हम करते हैं बात बेसिक की कि इसका बेसिक एक्चुअली है क्या। देखिए, जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है तो हमें सबसे पहले किसके बारे में जानना पड़ेगा कि सर्कल्स के बारे में। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो आपको अच्छे से जानते हैं कि इस सर्कल में सेंटर जो होगा और ये हमारे पास इसका क्या होगा, डायामीटर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा, और डायामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ से हमारे पास, मैंने आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा पाई के बारे में बात करूँ, क्योंकि पाई आपका टर्म है वो काफ़ी कॉमन है, क्योंकि इसमें पाई के टर्म आपके पास आने ही वाली है, तो पाई एक्चुअली हमारे पास होगा क्या वो देखते हैं। देखो, मैंने एक इस पाई के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो, सब कुछ बातें बताई हुई है। देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सपोज़ ये डायामीटर है, तो डायामीटर को मैं लेंथ मैंने यहाँ से कट किया और उस डायामीटर की शेप को सपोज़ अगर मैंने हल्का सा बेंड कर दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि पाई है क्या। उस सपोज़ ये जो शेप आ गई, अगर मैंने इसको उठा के एज इट इज़ इसके ऊपर रख दिया, फिर इसके ऊपर मैंने एज इट इज़ रख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर एज इट इज़ रख दिया, तो हमारे पास 3.14 टाइम्स अगर मैं इसको रख दूँ, इस वायर का 3.14159 टाइम्स रख दूँ, तो हमारे पास पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सो वन, ये टू, ये थ्री, और ये हमारे पास 0.14159 है। सपोज़ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बट कोई नहीं, 1.14159। सो एक्चुअली हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो ये है 3.14159 डैश 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 अप टू, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबी वैल्यूज, उसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक्चुअली में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपके पास ये होती है, ये नहीं होती, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। जब इसको और इसको सोल्व करोगे तो चेक करना कैलकुलेटर से, आपकी इसकी वैल्यू अलग आने वाली है। तो पाई हमारे पास एक्चुअली हुआ क्या, पाई हमारे पास सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ए डायामीटर। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायामीटर। कोई भी आपसे पूछे डेफिनेशन कि व्हाट इज द पाई, तो आप बोल देना इट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायामीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, तो पाई इंटू डी, तो C इज इक्वल टू पाई इंटू डायामीटर, क्या किसके इक्वल होगा, 2R, रेड ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2R, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ से हमारे पास सर्कमफ्रेंस निकल के आया, ये हमारे पास एक्चुअली पाई यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ कुछ आगे, तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 3.14159 डैश डैश डैश, हमें इतना ही याद करना है। एक्चुअली में तो आपको सिर्फ इतना ही याद कर लो तो भी काफ़ी है, 3.14 डैश डैश डैश, या फिर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 हमारे पास। फॉर इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का यूज़ किया है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ों की बात करता हूँ, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सुनो मेरी बात, अब मैंने कहा अगर हमारे पास सपोज करो एक सर्कल है, तो सर्कल में अगर जो सेंटर होगा, सपोज ये सेंटर है, तो इस सेंटर से सपोज मैंने दो इस तरीके की आर्क लगा दी, दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिए, तो ये जो दो रेडियस हैं, ये जो दो रेडियस है और एक ये जो आर्क है, ये हमें क्या देगी, सेक्टर देगी, क्या देगी, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला कौन सा एरिया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी एरिया। लेकिन जो ये एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया को क्या मैं कह दूं कि ये तो हमारे पास माइनर सेक्टर एरिया हो गया, माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, और ये जो आपको बड़ा पोर्शन दिख रहा है खाली खाली, ये वाला पोर्शन, इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेजर एरिया ऑफ सेक्टर। ये बड़ा हो गया तो मेजर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर हमारे पास कुल मिला के दो चीज़ों की याद रखना आपको, जो सेक्टर होगा वो दो रेडियस और एक आर्क, ये दिख रही है आपको सर्कल वाली जो आर्क है, ये इस आर्क से हमें मिलने वाला है सेक्टर। तो माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, अब मैं बात करता हूँ सेक्टर का एरिया निकालेंगे कैसे वो देखें, एरिया ऑफ सेक्टर को निकालना कैसे है, मैं पहले बात कर रहा हूँ माइनर एरिया की। तो लेट से यहाँ पे कोई ना कोई तो हमारे पास एंगल होगा, यहाँ पर कोई ना कोई तो एंगल होगा थीटा, मैं इसको थीटा मान लिया, और ये जो हमारे पास रेडियस है सपोज मैंने इसको आर मान लिया। तो आप एक चीज़ तो जानते हैं कि जो एरिया होगा किसका, सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
ये आपको पता है। और सर्कमफ्रेंस अभी अभी आपने जाना, सर्कमफ्रेंस कहूँ या पेरीमीटर कहूँ, सर्कमफ्रेंस कहूँ या पेरीमीटर कहूँ, वो हमारे पास क्या होगा, 2πr। ये दो बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। सो अब पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर की। तो देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इस पूरे 360 डिग्री में से कितना एंगल कवर किया है इस एरिया ने, थीटा। तो थीटा बाई 360, थीटा बाई 360, समझ में आया। इस पूरे 360 में से कितना एंगल कवर किया है इसने, और हम निकाल क्या रहे हैं, एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब इस पूरे एरिया का कितना पार्ट होगा ये, वही तो हमने लिखा है इस तरीके से। तो ये हो गया माइनर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब माइनर आपने निकाल दिया तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास मेजर वाला क्या हो जाएगा, मेजर एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या मैं कह दूं कि पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल का एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ सर्कल, समझ आया या नहीं। तो मैंने क्या कहा कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब कि पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा, और माइनर सेक्टर मींस ये वाला एरिया, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ गया। मैं इसको एक तरीके से और नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा, देखो अब एक बात सोचो जरा, ये हमारे पास थीटा डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो सिर्फ मैंने ऑरेंज से डार्क किया है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये थीटा, ये पूरा 360, तो 360 में से थीटा माइनस कर दूंगा तो ये हमारे पास निकल जाएगा एंगल। समझ में आई मेरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आओ, तो 360 माइनस थीटा। जैसे हमने माइनर सेक्टर निकाला, कैसे निकाला था कि थीटा अपॉन 360, तो ऐसे ही क्या मैं कह दूं कि 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई पूरे एंगल को डिवाइड करना है कि कितना पार्ट है, और जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस एरिया का इतना पार्ट हमारे पास मेजर सेक्टर देगा। फॉर्मूलेज, एक आधे फॉर्मूलेज ख़त्म। एरिया ऑफ सेक्टर माइनर पूछेगा या मेजर पूछेगा, मेजर निकालने के ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। अगर माइनर सेक्टर का पता है तो इस तरीके से निकाल दो, अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता है ये निकाल दो, ठीक है। थीटा हमारे पास कोई भी एक लिमिट, एक एंगल है। सो सेक्टर हमारे पास दो रेडियस और एक आर्क से निकल के बनेगा। दिस इज दिस वन एरिया ऑफ सर्कल, ये तो पता ही है आपको, सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है, पाई क्या होता है वो बता दिया, और एरिया सेक्टर क्या होता है ये बता दिया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ सेगमेंट की। देखिए सो सेगमेंट की अगर बात करूँ तो एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले एक्चुअली हमारे पास सेगमेंट होता क्या है वो देख लिए। मैंने कहा कि अगर सपोज हमारे पास एक सर्कल है, तो जो सर्कल में आप जानते हैं अगर ये सेंटर है तो एक कोर्ड ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कोर्ड। सपोज करो मैंने ये कोर्ड ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि ये हमारे पास एक कोर्ड है। देखो कोर्ड में और डायमीटर में डिफरेंस है, कोर्ड हमारे पास सर्कल से कभी भी एक्सटेंड नहीं करेगी, और डायमीटर हमारे पास हमेशा सेंटर से पास होगा, कोर्ड हमारे पास कहीं से भी पास हो सकती है। डायमीटर इज एन कोर्ड, अगर मैं डायमीटर ड्रॉ कर दूँ तो वो कोर्ड भी कहलाएगी, बट एक कोर्ड इज मे बी और मे नॉट बी डायमीटर, ठीक है। ये आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब सुनो, जो हमारे पास सेगमेंट एरिया होगा, मैंने कहा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट एरिया हमारे पास दो एरिया होंगे, एक माइनर सेगमेंट एरिया और एक मेजर सेगमेंट एरिया। आपको दिख रहा है कि ये जो आपको एरिया मिलेगा, ये वाला जो एरिया मिलेगा, ये कौन सा एरिया होगा आपके पास, ये एरिया होगा आपका माइनर सेगमेंट एरिया, माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या मिलेगा आपको, ये हमें मिलेगा मेजर, क्योंकि बड़ा एरिया है ना। सेगमेंट हमेशा कोर्ड से जो डिवाइड हो गए वही दो पार्ट्स को मिलेगा, उसी को सेगमेंट एरिया बोलेंगे हम। तो मेजर एरिया ऑफ सेगमेंट, समझ में आया। तो दो एरियाज हो गए, माइनर और मेजर, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि हमें इस एरिया को निकालेंगे कैसे। तो माइनर एरिया ऑफ
सेगमेंट को हम निकालेंगे कैसे। देखो हमारे पास, मैं इस सर्कल को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास कोड थी, ये हमारे पास ये था, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। देखो आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस रेडियस सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दूं, मेरी बात ध्यान सुनना, समझने सिर्फ समझने वाली बात है और कुछ है ही नहीं। अगर पूरा ये जो पूरा एरिया होगा, यहाँ से देखो, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, माइनर एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं माइनर एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये तो बचेगा। समझ में आया नहीं समझ में आया, क्या कह रहा हूँ मैं कि माइनर माइनर निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे माइनर ही लिखेंगे ना, तो माइनर एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने माइनस कर दिया इस ट्रायंगल का एरिया, तो माइनस कर दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब आप इस एंगल को आराम, इस चीज़ को हम आराम से निकाल देंगे, क्लियर। तो माइनर एरिया ऑफ सेक्टर इज माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट। सो अब मुझे एक बात बताओ आप कि माइनर एरिया सेक्टर कितना होता है हमारे पास, थीटा बाई 360। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर होगा, याद रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन आपको याद क्या रखना है, बेस और हाइट जो होगा ये हमेशा, अगर सपोज ये बेस है, ये सपोज ए और ये बी अगर हमारे पास बेस है, तो हाइट हमेशा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ये हमारे पास हाइट होगी, क्लियर है। इसका एक फॉर्मूला और होता है आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा करके, उसको हम प्रूव करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब, डोंट वरी, अभी उसको याद नहीं करना, अभी सिंपल याद रखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होगा तो हाइट हमेशा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी, हाइट ही तो आप जानते हो। तो ये हमारे पास निकल गया माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या मैं कह दूं कि मेजर एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकल जाएगा, मेजर एरिया ऑफ सेगमेंट, कैसे कि ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दो, सिंपल। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे क्या, छोटे वाला एरिया, छोटे वाला एरिया कौन सा, माइनर एरिया सेगमेंट, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास निकालने का तरीका हो गया। अब सुनो मेरी बात, अब हमारे पास एक अलग चीज आती है, लेंथ ऑफ सेगमेंट। क्या आती है हमारे पास, लेंथ ऑफ सेगमेंट। अब लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेगमेंट, दो चीज आती है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ, पूरा लिख देता हूं इसको एग्जैक्टली, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेगमेंट। सो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास सर्कल था, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास सेंटर था, ये हमारे पास सेंटर था, तो हमारे पास ये एक कोड थी। तो इस कोड से जो हमारे पास ये जो, देखो ये जो किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंथ की, कौन से की, आर्क ऑफ ए सेगमेंट। सेगमेंट कब बना था, जब हमारे पास कोड था, तो इट मीन्स वॉट, जो आपके पास कोड की हेल्प से जो हमारे पास आर्क बना है, इस की आप लेंथ निकाल दीजिए, जो मैंने डार्क कर रखा है अभी अभी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेंथ निकालनी है, समझ आया। तो अब इसके हम कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। तो ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास कितना एंगल था, थीटा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये थीटा निकला। तो अब ये थीटा कवर कर रहा है कितने में से, 360 में से, 360 का थीटा कवर कर रहा है, तो थीटा कवर कर रहा है 360 का। हम बात किसकी कर रहे हैं, लेंथ की, तो लेंथ हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, सरकमफ्रेंस ही तो होता है। तो सरकमफ्रेंस मतलब इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस का सिर्फ इतना पोर्शन थीटा कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, समझ आया। थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, 2πr, यहाँ पे 2πr होता है, जो जब सेक्टर एरिया निकालते हैं वहाँ पे, जब एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे πr स्क्वायर होता है, क्यों समझ में आ गया होगा। लेंथ की बात करेंगे तो हमारे पास 2πr, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेगमेंट या फिर सेक्टर भी बोल देंगे, क्योंकि सेक्टर का, अगर सेक्टर की लेंथ निकालूंगा, जैसे कि मैं कहूँ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, हमने जो भी पढ़ा, अगर मैं कहूँ कि आप इसके अंदर ये निकाल दीजिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास सिर्फ इसको पूछ रहा है,
ये बी है और ये ए है, तो इस लेंथ को पूछ रहा है। ये कितनी लेंथ होगी? इस पूरे सर्कमफ्रेंस की सिर्फ वही लेंथ होगी जो थीटा कवर कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो वही तो हो गया थीटा अपॉन 360 लेंथ। बस यहाँ पे देखो फोकस किस पे करना है, मैं बार बार फोकस करने की बात बोल रहा हूँ, बार बार आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे। लेंथ की बात कर रहा हूँ तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, और अगर एरिया की बात करूँगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? डाउट तो नहीं है कुछ? ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूलाज कितने हो गए हमारे पास। नंबर वन फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जब एरिया सेक्टर की बात की जाएगी तो। माइनर, मेजर वाला तो याद नहीं करना क्योंकि वो तो पाई आर स्क्वायर से माइनस कर देना है। ठीक है, नंबर सेकंड फॉर्मूला, जब लेंथ की बात की जाए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये भी आपको याद हो गया। नंबर थर्ड फॉर्मूला हमारे पास, माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट। ये सिर्फ आपको समझना है कि पूरे सर्कल के एरिया में से आपको इस ट्राइंगल का एरिया आपको माइनस करना है, और मेन काम हमारे पास होगा ट्राइंगल निकालना। अब ट्राइंगल के दो तरीके से निकलते हैं, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक हमारे पास निकलता है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ये थीटा, तो इस देखो मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ ए सी, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पूरा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आधा थीटा बाई टू, या तो आपको एंगल पता होगा थीटा बाई टू। ये हमारे पास, और आपको ये पता है रेडियस, ये हमारे पास क्या है रेडियस। जब ये पता है और एंगल पता है तो आप इसमें से एक चीज़ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? आप इजीली से एक चीज़ निकाल सकते हो, आप ये निकल जाएगा या फिर ये निकल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इजीली कर देंगे, क्योंकि बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज आता हो। तो ये तो साइन थीटा लगाएंगे या फिर कोस थीटा लगाएंगे, इन दोनों में से आइडेंटिटी का यूज़ करके बेस और हाइट का पता कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो इस पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था ना, वो सिर्फ इतना ही था कि आपको चार फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। दो तो वो हो गए, तीसरा फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया। इसको तो आप अवॉइड करो, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेगमेंट, हमारे पास सेगमेंट कहूँ सेक्टर कहूँ, ये इस लेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो हमारे पास वो हो गया। तो कुल मिला के आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है थर्ड वन। सो बाकी जो आपकी एक्सरसाइज 12.3 आएगी ना, उसके अंदर कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना कि कौन सा एरिया कट करना है। आपको सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, सर्कल का एरिया। जस्ट इसलिए चैप्टर नंबर 13 जो है उसको मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, जिसमें CSA, LSA, TSA, उसमें सारे एरियाज को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सर्कल का एरिया ये होता है, रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, रोम्बस का, सर्कल, सब कुछ बताया हुआ है। प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो उसका काम यहाँ पे भी आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट चैप्टर 12। इसके अलावा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ हम बात करेंगे अभी सीधा एक्सरसाइजेस पे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा, बोर्ड एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करनी है आपको। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।